हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोमांशु गोविंद एंड दिस इज़ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट्स। ओके, सो वी हैव डिस्कस हेयर अबाउट एसिड बेस एंड साल्ट्स, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़, व्हाट एक्चुअली एसिड बेस एंड साल्ट आर। सो ऑल वी थिंक डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर द की है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ केड़िया होंगे ने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे ने जिन्हें कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब कि अगर किसी चीज़ ने रिएक्ट कर दिया तो कोई न्यू कंपाउंड बन रहा या कुछ चेंजेस आ रहे। ओके, सो इसी तरह बेस से जो एसिड्स होंगे यह रिएक्ट करते हैं, आपस भी करते हैं, होर भी बहुत सारिया चीज़ें करते हैं। सो की ये दिया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ने उन्होंने आप इतने डिस्कस करांगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने एक छोटी जी डेफिनेशन आती है जिन्हों नोट कर लो, ये उत्ते मैं जूम कर देना इस जगह पे। सो डेफिनेशन आ ऑलफैक्टरी दी। ऑलफैक्टरी किनू कहिंदे आ, द सबस्टांस हूज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर कौन होंगे, इंडिकेटर वो होंगे जो ये इंडिकेट करते हैं कि किसी भी सोल्यूशन या कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। ओके, हुण इहदे च कुछ इंडिकेटर इदा दे होंगे जिहड़े स्मैल चेंज कर लेंगे, किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम चाहे अपनी स्मैल चेंज कर लेंगे। ऐसे इंडिकेटर्स नूं आपां की कहिंदे आ, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल्स इहदियां तुसीं देख सकते हो की आ, वनीला, अनियन, क्लोव। ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ये की करते हैं, अपनी स्मैल नू चेंज कर लेंगे इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। देखो जो एसिड है और बेस है ये दोनों मेटल्स ना रिएक्ट करते हैं और दोनों ही सिमिलर रिएक्शन ही शो करते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज आता है, इन्हें ज़्यादा नहीं होता। सो थोड़ी जी डायग्राम देख लो, सैटअप लग गया हुआ ये हम ये की किया वा। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड फ्यू पीसिस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल टू इट। वट यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फिस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, पास द गैस बींग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन, वाई द बबल्स फॉर्म इन द सोल्यूशन। सो ये की है कि एक सैटअप लगाया गया, दिस इज टेस्ट ट्यूब। ओके, सो इन स्टैंड के उत्ते लगा के ये की पाया वा, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होंगे वा H2SO4। ओके, सो ये एसिड पा के ये किया कि जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े पीसिस ये पाते। ठीक, हूँ की किया पूरा एयर टाइट करता, हूँ ये एक उपरों की पाइप लगाते। ठीक, ग्लास को हूँ उन्होंने की किया, वह दूसरा हिस्सा जो सी आप एक सोप सोप सोल्यूशन से टिप करता। सो हूँ की होगा कि ये बबल रिलीज़ हो गए, अगर तुम ये मूहे कैंडल लेके जाओगे तो स्पार्क करूगा। ओके, सो ये क्यों हो रहा, ये पीछे की रीज़न है। सो ये पीछे एक सिंपल जहा रीज़न है, एंड दैट इज़ दिस रिएक्शन। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो जो इस डायग्राम से बबल देख रहे हो ना, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है जो आप जिंक नू किसी एसिड से पाने। ओके, सो जो एसिड रिएक्ट करते हैं किसी मैटर नाल तो की प्रोड्यूस होंगे वा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर आप हम गल करिए बेस की, सो NaOH एक बेस है। ओके, सो जो इनू जिंक ना ऐड करते हैं तो ये भी की होंगे, एक साल्ट बन रहा और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ हो गया। सो चाहे बेस रिएक्ट करे या चाहे एसिड रिएक्ट करन मेटल नाल, तो दो ही चीज़ें रिलीज़ हो गया, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। सो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की होंगे, देखो ये जो CO3 लिखा हुआ इस ग्रुप नू कहिंदे आ कार्बोनेट ग्रुप, और जिस भी मेटल नाल लग्या वा तो वह मेटल कार्बोनेट हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट की होंगे, जो हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट लग जाए, H हाइड्रोजन एंड CO3 कार्बोनेट ग्रुप।
जो ये तीन इकट्ठे हो गए हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। सो अगर मैं ये मेटल का नाम दसा, मेटल हाइड्रोकार्बन का, तो यह नाम की है Na होंगे सोडियम, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो आखिर हूँ जो एसिड एंड बेस आओ ये ना किस तरह रिएक्ट कर दो आप देखना है। सैटअप बिल्कुल सेम ही है जिस तरह पहला से। ठीक, ये हम आप किया कि जो डिल्यूट हाइड्रोकलोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं आप, ओके एच सी एल हाइड्रोकलोरिक एसिड, उन्होंने की किया आप कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करते हो। सो इन की जो रिएक्शन आ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट लगभग सेम ही होंगी है। सो देखो ये दो टेस्ट ट्यूबा यूज किए, एक च आपा की पाया सोडियम कार्बोनेट, एक च पाया आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके पाया की है दोनों च आप एच सी एल एंड एच सी एल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फर्स्ट की बनया इतने देखो साल्ट, साल्ट सेम दोनों च, उस तो बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। सो बहुत केसिस देख सकते हो कि जो मेजरली चीज़ें जो रिलीज हो रही हैं की हो रही हैं साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके सो कभी भी मेटल या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ना कोई भी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो तीन ही चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट इज साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो रिएक्शन नूं ध्यान नाल देख लो एक बार, इनू जरूर नोट डाउन करो रिएक्शंस नूं और प्रैक्टिस करो, ये ज़्यादा टफ नहीं होंगी है, ईजी है अगर फर्स्ट चैप्टर तुसी ध्यान नाल सुनिया वा तो। हुण इहदे च एक चीज़ होर आ कि जो जो आप रिएक्शन करवाई है मेटल कार्बोनेट की, तो अपन किस तरह पता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज़ हुई है। सो ये दो मैथड आ, फस्ट ऑफ ऑल की है कि या तो तुसी एक मैच स्टिक नूं बर्न करके उस पाइप को लै जाओ, अगर वो बुझ जाती है तो समझ लो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा तरीका की है, दूसरा तरीका वा कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रख दिए, वो की होगा कि जो ये गैस रिलीज होगी उपर वालिया चो, सो वो की होगा सोल्यूशन के थ्रू जाऊगी। हूँ जो सी ए ओ एच ट्वाइस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनू आप कहने लाइम वाटर या चूने का पानी, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो की होंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता वा, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर रिलीज होता। सो ये की होंगे कि जो आ सोल्यूशन से अपने को लाइम वाटर का, ये एक स्टोन जहाँ थोड़ा जहा स्टोन टाइप प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं एंड वाटर जो अलग हो जाता अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करते हैं। सो ये प्रूफ करता वा कि जो ये आप रिएक्शन करवाई है इतने एसिड्स की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जो वही रिलीज हुई है। ओके नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। बहुत सिंपल आ, जो भी कोई स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस के नाल रिएक्ट करता वा तो हमेशा दो ही चीज़ा बन दिया ने साल्ट एंड वाटर। सो हमेशा याद रखना वा बेस प्लस एसिड ऑलवेज गिव यू साल्ट एंड वाटर। सो रिएक्शन देख लो, NaOH एक बेस आ सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एक एसिड आ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इन्हें की बनाया NaCl प्लस H2O, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड उन की है, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट हुंदा जिन्हों आप घर यूज करते हैं। ओके दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो वो वाला साल्ट बनता वा प्लस ये की रिलीज हुंदा वाटर। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो की है, रिएक्शन ऑफ मेटैलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। सो जो मेटैलिक ऑक्साइड्स होंगे, मेटैलिक ऑक्साइड की होंगी है कि कोई मेटल है जो ऑक्साइड बना लिया, उन्हें ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया वाटर या एयर की हेल्प के नाल। सो हुण जिहड़ी वह मेटल अपनी ऑक्साइड बन गया वो एसिड ना किस तरह रिएक्ट करते हैं वो बारे आप जानेंगे। तो बिल्कुल सेम ही है, जो भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड ना रिएक्ट करता वा तो दो ही चीज़ा बन दी वा साल्ट एंड वाटर। सो तुसी देख सकते हो कि साल्ट एंड वाटर बहुत कॉमन चीज़ बन रही है जो भी एसिड किसी नाल भी रिएक्ट कर। सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव सेम हैव इन कॉमन। सो सारे एसिड्स एंड सारे बेस कॉमन की होंगे वा, अगर तुसी किसी एसिड्स दियाँ एग्जाम्पलों मैं कहाँ तो की हो सकती है वा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होंगे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
इसी तरह मैं जे बेस दी गल करा कि बेस दी एग्जांपल दो तो बेस केड़े होंगे अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये सारे बेस ने सो सारे एसिड एंड बेस च कॉमन की आ जिन्हें भी एसिड्स ने उन्हें सारे दे कॉमन होंगे वा एच पॉजिटिव आयन ओके एच पॉजिटिव आयन सारे जिन्हें भी एसिड्स ने वो सारे दे एच पॉजिटिव आयन जो है वह कैटाइन जिन्हों कहने आप कॉमन होंगे वा ठीक एंड सिमिलरली जो बेस होंगे ना उन्होंने कॉमन होंगे ओ एच नैगेटिव आयन ओके सो जिन्हें भी अपन बेस मिलेंगे वो सारे तो की मिलेगा ओ एच नैगेटिव आयन सो उन्होंने कहने आप एनाइन ठीक सो कॉमन की होंगे एसिड्स के एच पॉजिटिव आयन एंड बेस एंड एसिड्स के होंगे वा ओ एच नैगेटिव आयन अगर मैं एसिड्स की गल कर रहा वा तो अपने को कॉमन होंगे वा एच पॉजिटिव आयन और अगर मैं बेस की गल कर रहा वा फिर अपने को कॉमन की होंगे वा ओ एच नैगेटिव आयन ओके सो ये कॉमन होंगे वा बेस दे विच और ऊपर वाला एच पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कॉमन होंगे एसिड्स क्लीयर। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने को नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन च एसिड या बेस नाल की होंगे वा देखो वाटर अपने आप की है एच टू ओ ऑलरेडी वो को कि जो हाइड्रोजन आयन है वो को भी दो होंगे जो वाटर होंगे वा ओके सो जो किसी एसिड या बेस में पाने वो की होंगे वा कि आह वाली रिएक्शन जो आ फरदर प्रोसीड होती है वो की हो रहा हूँ देखो जो हाइड्रोजन आए ना वो इनक्रीज़ कर रहे हैं सो ये ना की होंगे वा कि जो एसिडिटी है या जो बेसिसिटी है किसी सोल्यूशन की वो घट जाती है क्योंकि नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयनस इनक्रीज़ कर जाते हैं वो की होंगे वा कि जो एसिड एंड बेस है वह डिल्यूट हो जाते हैं जो इन्हों आप वाटर च पाने ठीक सो ये कुछ एक रिएक्शंस ने जो तुम देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड का दिखाया कि वाटर च की होंगे वा देखो जो हाइड्रोजन है वो इनक्रीज़ कर रहे क्लोरीन जो सी अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना ही हाइड्रोजन आयन कर सकते हैं ओके सो की हो जाता डिल्यूट हो जाता इसी तरह अगे बेस का देखो एन ए एच एक बेस है वाटर च पाया जो इन आप ओ एच नैगेटिव आयनस जो है वो अलग हो रहे हैं यानी कि एच जो आयन है वो इनक्रीज़ हो रहे हैं कैटाइन वालों ठीक। सिमिलरली इन केस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओके सो इन सारे केसिस की है कि जो जो इन्हों की जो रिएक्टिविटी है या जो इन्हों की पावर आ किसी एसिड की या बेस की वो घट जाती है अगर वो आप वाटर च इन्हों ऐड करते हैं सो एक फरदर एक छोटी जी डेफिनेशन इतने है वो भी देख लो बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज ओके सो जो बेस वाटर दे विच सोल्यूबल हो जाए यानी कि घुल जाए उन्होंने आप कहने एल्कलीज। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है हाउ स्ट्रोंग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। कोई भी एसिड या जो बेस सोल्यूशन है वो किन्ने स्ट्रोंग हो सकते हैं ओके सो ये आप देख रहे हैं जो कॉन्सनट्रेशन होंगी है एच पॉजिटिव आयन की या ओ एच नैगेटिव आयन की ये जिनी ज़्यादा होगी उन्नी ही जो स्ट्रेंथ है किसी एसिड या बेस की आप उन्नी ही ज़्यादा मानते हैं मतलब उन्ना ही स्ट्रोंग एसिड या बेस होगा जिनी ज़्यादा वो कॉन्सनट्रेशन ऑफ एच आयन की होगी सो ये आप एक पी एच स्ट्रिप्स में यूज़ करते हैं पी एच स्केल आप यूज़ करते हैं जिदे अकॉर्डिंग आप दस सकते हैं कि कोई जो लिक्विड आ अगर वो एसिड आ तो कितना स्ट्रोंग एसिड आ या अगर वो बेस आ तो कितना स्ट्रोंग वो बेस आ सो नेचुरली जो ये स्केल होंगे ना ये रीडिंग होंगी है 0 to 14 जो ये 7 होंगे वा वो न्यूट्रल ले होंगे वा ओके एंड 7 0 to लैके 6.9 तक अगर रीडिंग आ रही है तो ओबियस आ कि जो सोल्यूशन आ या जो भी वो लिक्विड आ वो की है वो एसिडिक इन नेचर होगा और अगर वो वैल्यू 7.12 लैके 14 तक है तो वो की होगा वो बेसिक इन नेचर होगा हो की रहा वा कि 0 to लैके 7 तो 7 तक की है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और 7 तो बाद 14 तक की है कि जो एच पॉजिटिव आयन है उन्होंने कंसनट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है ओके सो जो पी एच है वो इस तरह दिखाया जाता है इस कलर च। ठीक
जो भी इस तरह की स्ट्रिप में तुसी किसी लिक्विड च पाने तो कलर चेंज कर लेंगे। न्यूट्रल ले आह कलर होंदा वा और स्ट्रोंग एसिड ले रेडिश कलर होंदा वा। ओके एंड स्ट्रोंग बेस ले थोड़ा ब्लूइश कलर आ जाता वा। ओके सो ये पीएच स्केल होंदा जिसके ऊपर आप चेक करते हैं कि किसी भी लिक्विड दे विच एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। देखो सब तो स्ट्रोंग जो एसिड होंदा उसकी वैल्यू होंदी है 0 to 1, 2 दे विच। सो जो गैस्ट्रिक जूस आ मतलब जो जूस अपने स्टमक च हुंदा वा उहदा जो पीएच हुंदा वा 1.2 हुंदा वा। सो ये सब तो स्ट्रोंग एसिड है। ओके उस तो बाद लेमन जूस का हुंदा 2.2, प्योर वाटर जिहड़ा हुंदा या ब्लड हुंदा उहदा जो पीएच हुंदा 7.4, स्लाइटली बेसिक वाल हुंदे आ इह। नैक्सट आंदा वा मिल्क ऑफ मैगनीशिया। मिल्क ऑफ मैगनीशिया आप यूज करते हैं एंट एसिड एज आ। ओके सो ये जो एंट एसिड हुंदा एसिडिटी हुंदी जिन्हां नूं उन्हां नूं दिंदे आ। सो इहदा जो पी एच हुंदा हुंदा वा नियर अबाउट 10। ओके उस तो बाद आंदा वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन NaOH जो ये सोल्यूशन हुंदा वा बेस का। सो ये बहुत स्ट्रोंग बेस हुंदा, इहदी जो वैल्यू हुंदी है पी एच ते दैट इज़ 14। नैक्सट जो टॉपिक है वह अपना इंपोर्टेंस ऑफ पी एच इन एवरीडे लाइफ। सो पी एच का मतलब ये स्केल की गल नहीं कर रहा कि स्केल की इंपोर्टेंस आ। पी एच का मतलब कि जो आह एसिड या बेस की जो आप यूज कर रहे हैं यह कितना क इंपोर्टेंट आ अपनी डे बाय डे लाइफ। सो फस्ट की आर प्लांट एंड एनीमल पी एच सेंसिटिव। सो जो प्लांट्स होंगे ना यह भी पी एच में लैके बहुत सेंसिटिव होंगे। ठीक जिस तरह हूँ कह रहा अवर बॉडी वर्क विद इन द पी एच रेंज 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पी एच चेंज। वैन पी एच ऑफ रेन वाटर इज लैस दैन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन। सो एसिडिक रेन इतों अपन पता लगता पर किनू कहने जो पी एच के उत्ते वैल्यू कि आ जाए 5.6 यानी 7 तो घटा तो यह की होगा एक एसिड। सो इट इज़ अ एसिडिक रेन। सो अगर रेन एसिडिक होगी तो ये ना की होगा कि अपना सारा पानी का जो पी एच है वो चेंज हो जाऊगा। सो अगर पी एच चेंज होगा तो ना तो प्लांट सर्वाइव कर सकते और ना ही जो पानी च रहने वाले जीव आ जो एक्वेटिक एनीमल्स ने जो एक्वेटिक लाइफ आ वो की है कि उन्होंने सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता वा। बहुत सारा तुम इदा सुनिया होगा जिस जगह के उत्ते बहुत सारी फैक्ट्रीज का इस तरह का वेस्ट मटीरियल जाता है एसिडिक या बेसिक च उस जगह की जो नदियाँ वगैरह ने उत्थे दियाँ जो फिशेज ने वो अपने आप मर मर के उपर आने शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक्वेटिक इनवायरमेंट है ना वो पी एच चेंज हो जाता वा। सो बहुत डिफिकल्ट उन्होंने सर्वाइव करना। नैक्सट इज वट इज़ द पी एच ऑफ द सॉयल इन योर बैकग्राउंड बैकयार्ड। सो जो सॉयल है ना यदा भी पी एच जो मेनटेन रखना पैदा वा। ओके क्यों? क्योंकि जो सॉयल आ अगर वह पी एच मेनटेन होगा अगर न्यूट्रल तो होगा तो ही कोई प्लांट ग्रो करेंगे। अगर वह पी एच थोड़ा जहा भी बिगड़ जाए ना खराब हो जाए या एसिडिक हो जाए स्लाइटली थोड़ी सॉयल या बेसिक हो जाए तो बहुत मुश्किल है वो किसी प्लांट का ग्रो करना। नैक्सट इज़ पी एच इन अवर डायजेस्टिव सिस्टम। हम देखो जो अपना स्टमक है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता वा। अगर थोड़ी जी भी प्रॉब्लम हो जाए मतलब कि है कि एसिड रिलीज़ हो रहा वा आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे या बहुत खराब खाना खा रहे हो ना की हो रहा कि एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा। एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा तो अपनी बॉडी की हो रही है एसिडिक हो रही है। सो वो ना की हो रहा कि बहुत प्रॉब्लम होंगी है पेन होंगी है। सो ये तो बचने आप करते हैं आप यूज़ करते हैं एंट एसिड्स का। ओके मिल्क ऑफ मैगनीशिया एक एंट एसिड है जिन्हों आप यूज़ करते हैं। सो एक ही करता वा कि जो अपने एसिड रिलीज़ हो रहा बॉडी वो रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बना दिता और अपनी बॉडी न्यूट्रल करता वा। ओके सो नैक्सट इज़ पी एच एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। सो टूथ का डिके यानी कि जेडे दंदा च कीड़े वगैरह आप कहने लगते हैं एक्चुअली जो क्यों हों कदों हों टूथ डिके स्टार्ट वैन द पी एच ऑफ माउथ इज़ लोअर दैन 5.5। उन जो अपना पी माउथ का जो पी एच है ना हमेशा मेनटेन रखना पैदा एसिडिक हों स्लाइटली बट की है कि 5.5 तो अगर ये घट गया तो वो की होंगे जो टूथ के उत्ते एनेमल जो एक दंदा तो अपने परत चढ़ी होंगी है जिड़ी कि कहदे तो बनी है कैल्शियम हाइड्रोपेप्टाइड। सो एक ही क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम फॉसफेट है ये की है कि अगर पी एच इस तो घट जाए तो यह की होंगे कि यह अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक सो अगर ये खत्म हो लग गई तो अपने दंदा की है कि वह डिके करना शुरू कर देंगे। सो ये तो बचने का एक ही तरीका वा।
तो पहला तो खाना खान तो बाद कुल्ला करना बहुत जरूरी है। और ओदे ना की हुंदा कि अपना जो मुंह माउथ आ ओदा जो पीएच ओ स्टेबल रहंदा वा। और दूसरा की है कि जो आपा ब्रश करदे हैं एक्चुअली जो आपा टूथपेस्ट यूज़ करदे हैं वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर होंगी है। और जो उन्होंने यूज़ करते हैं तो की करता है तो जो माउथ का जो पीएच है वो बैलेंस करता। सो इसलिए रेगुलर टूथब्रश भी यूज़ करना चाहिए वा। अपने जो टीथ है तो प्रॉपर 2 या 3 टाइम्स साफ करने चाहिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। सो सेल्फ डिफेंस लिए भी वो एसिड या बेस नू यूज़ कर दिया। कई बार तो लग्या होगा कि कभी कोई हनी बी या मधुमक्खी जो लड़ जाए तो बहुत पेन होंगी है और उस जगह के उत्ते एक छोटा जा बंप भी बन जाता वा। सो एक्चुअली जो थे की हो रहा वा असल जो जो स्टिंग है जो डंग है ना उसको हल्का जहा एक एसिड होंगे वा। ओके सो एसिड की कहड़ा एसिड होंगे वो मिथेनोइक एसिड होंगे वा जोड़ा वो अपनी बॉडी के इंजैक्ट कर देंगे। वो की होंगे कि अपने बहुत पेन होंगी है क्यों क्योंकि अपना जो ब्लड है वो पीएच ओ न्यूट्रल है अचानक वह जो पीएच है वो चेंज हो जाता वा। सो वह अपन बहुत ज़्यादा पेन होंगी अगर वो तो रिलीफ लेनी है तो आप यूज़ करेंगे एसिड का उल्टा बेस। सो अगर आप अपने घर जो बेकिंग सोडा पिया होंगे अगर वह घोल बना के उस जगह के उत्ते लगाइए तो काफ़ी राहत मिलती है। ओके सो इस तरह पीएच में बैलेंस कर सकते हो। सो ये कुछ नेचुरल जो एसिड एग्जिस्ट करते हैं जो चीज़ा कॉमनली आप देखते हैं वो नाम लिखे हुए हैं जिस तरह विनेगर सिरका जोड़ा होंगे उस कहड़ा एसिड होंगे देखो यार एसिटिक एसिड। ऑरेंज जो तुम खाने हो फ्रूट आ ये सिट्रिक एसिड होंगे वा। उस तो बाद टमरेंट ये टार्टरिक एसिड होंगे वा। टमैटो च ऑक्सैलिक एसिड। सौर मिल्क दही कहने जिन्होंने आप लैस्टिक एसिड होंगे वा लैक्टिक या लैस्टिक एसिड। लैमन के सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग जो कीड़ी का डंग होंगे वा वो मिथेनोइक एसिड। नैटल स्टिंग के होंगे मिथेनोइक एसिड जो प्रिंड वगैरह होंगे। हम नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आ रहा आप एसिड एंड बेस बारे पूरा जान लिया उन्होंने प्रॉपर्टीज़ जान ली किस तरह उन्होंने चेक कर सकते हो देख लिया। उस तो बाद जो थर्ड टाइप आती है अपने को इस चैप्टर के वो है साल्ट। साल्ट की होंगे है जो आप एसिड एंड बेस नू रिएक्ट करवाने तो जो अपने को प्रोडक्ट आता वा दैट इज़ कॉल्ड साल्ट। ओके सो साल्ट का जो पीएच है वो किस तरह का हो सकता वा। साल्ट 3 तरह के बनते हैं अगर 3 तरह के पीएच होंगे किसी भी साल्ट के। क्यों क्योंकि 3 कंडीशन ने किसी भी साल्ट के बनने दी। फर्स्ट कंडीशन की है एक स्ट्रोंग एसिड और एक वीक बेस। ठीक सो इस केस की होगा कि जो पीएच होगा ना साल्ट का वो एसिडिक इन नेचर होगा स्लाइटली वह की होगा 0 to 7 तो घट घट आऊगा स्केल च। दूसरी कंडीशन की होगी एक स्ट्रोंग बेस एंड एक वीक एसिड। ये केस की होगा कि जो साल्ट है ना वह बेसिक इन नेचर होगा और पीएच उत्ते वैल्यू की आऊगी 7 तो अबव। ओके थर्ड जो काइंड है वह होगा या तो दोनों स्ट्रोंग एसिड होंगे या दोनों या तो दोनों स्ट्रोंग एसिड एंड बेस होंगे या दोनों वीक एसिड या बेस होंगे। ठीक इन दैट केस की होगा कि जो साल्ट बनेगा हूँ वो न्यूट्रल होगा। ओके क्लियर सो ओदी जो पीएच वैल्यू होगी वह नियरली अबाउट 7 होगी। ओके सो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट केड़ा वा कॉमन साल्ट कहने आप NaCl नू सोडियम क्लोराइड। ओके सो ये तो आप कैमिकल रिएक्शन कर सकते हैं की बना सकते हैं हम बारे देखा। ओके सो कॉमन साल्ट रॉ मटीरियल फॉर केमिकल्स केड़े केमिकल्स आप तो बना सकते हैं। द कॉमन साल्ट ऑबटेन एन इंपॉर्टेंट रॉ मटीरियल फॉर द वेरियस मटीरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा। सो आओ केमिकल है जिन्हें आप कॉमन साल्ट तो बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। सो ये आप डिस्कस करा कुछ 3-4 का। सब तो पहला आप देखा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिन्होंने आप कॉमन साल्ट तो बनाना है। ये आप करा कॉमन साल्ट की पावे वाटर इन लिक्विड फॉर्म और बाद की है कि अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन बनेगा प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट आखिर किस तरह बन रहा वा उन्होंने आप देखेंगे क्योंकि घर के आप नमक पानी पा के पीने ही है तो मतलब कि वह बेस बन जाते हैं पर इस तरह नहीं होंगे। ये पीछे भी एक मैकेनिज्म आन ध्यान देखते हैं आप
ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਆਇਨਸ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਓ ਐਚ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਐਕਵਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰਾਇਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿੱਚ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਰਮਡ ਕਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਦ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲੋਰ ਐਲਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਲੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਐਲਕਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸ ਵਾਟਰ 'ਚ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਟੈਂਕ 'ਚ ਬਲੂਇਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਨੋਡ ਐਂਡ ਕੈਥੋਡ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਥੋਡ ਐਂਡ ਐਨੋਡ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਟੈਂਕ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਿਊਬਸ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਰਦਰ ਇਹ ਸੈਟਅਪਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਹੁਣ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਵਾ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੈਟਮ 'ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੀ ਏ ਓ ਸੀ ਐਲ 2। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਕੁਛ ਯੂਜਿਸ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਫੋਰ ਬਲੀਚਿੰਗ ਕੋਟਨ ਐਂਡ ਲੀਨਨ ਇਨ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਫੋਰ ਬਲੀਚਿੰਗ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਇਨ ਪੇਪਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਫੋਰ ਬਲੀਚਿੰਗ ਵਾਸ਼ ਕਲੋਥ ਇਨ ਲਾਂਡਰੀਜ਼, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰਿੰਕ ਵਾਟਰ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਜਰਮਸ। ਸੋ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ 'ਚ, ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਰਮ ਫਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੋਮਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਰ ਘਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਸ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਸੋ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਜ਼ ਕੋਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਕਿਚਨ ਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਟੇਸਟੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪਕੌੜਾਸ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਲੀ 'ਚ ਜੋ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਔਰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਅਮੋਨੀਆ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਮਕ, ਵਾਟਰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਅਮੋਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਨੇ ਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਐਂਡ ਮਾਈਲਡ ਐਡੀਬਲ ਐਸਿਡ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਟਾਰਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਔਰ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਸ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਐਸਿਡ ਸੋ ਐਕਚੁਲੀ 'ਚ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਇਨ ਐਂਟ ਐਸਿਡ ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਐਂਟ ਐਸਿਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਡਾ ਐਸਿਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ Na2CO3.10H2O ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਓਕੇ ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਯੂਜਸ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਜੋ ਯੂਜਸ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਗਲਾਸ ਸੋਪ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਬੋਰੈਕਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਫੋਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਪਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫੋਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸੋ ਆਹ ਜੋ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਫ ਸਾਲਟ ਰੀਲੀ ਡਰਾਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਟਕੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆ ਠੀਕ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇਹ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਊਡਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੋਪਲੈਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਊਡਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਰ ਨੋਟ ਡਰਾਈ ਦੇ ਅਕੂਪਾਈ ਵਾਟਰ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ Ca(SO4.12) ਵਾਟਰ ਓਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਸੋ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੋ ਆ ਸਕਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵਟ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦੂਸਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੀਸਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਟੂ ਜਿਪਸਮ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਐਂਡ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜਿਪਸਮ Ca(SO4.2H2O) ਓਕੇ ਸੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਸ 'ਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਓਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਸੋ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ